गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो मैंने पनीर वगैरह है वो कट कर लिए हैं और अभी मैं फटाफट सब्जी बनाती हूँ, फिर जाती हूँ योगा क्लास। तो अभी मैं रेडी हो गाइस, गई मैंने हूँ अपनी कार और है वो योगा क्लास पार्किंग आ में गई हूँ। तो मैंने अपनी कार पार्क में लगा दी है और अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर योगा क्लास स्टार्ट हो गई है, तो करते हैं जुम्बा। वंस देखो, आपके फ्रेंड्स फाइट कर रहे हैं। आज मैं, चंसा और वंस तीनों जा रहे हैं जीटी। देखते हैं क्या लेके अगले हैं। ये हमारी स्ट्रीट है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे हैं। इवनिंग में ट्रैफिक तो काफी हो रहा है। इस टाइम एक तो 10 बजे, एक 6 बजे, इन दोनों टाइम काफी ट्रैफिक रहता है। सबको घर जाने की जल्दी रहती है ऑफिस से। हम लोग क्या यहाँ पे स्टार्टिंग से रह रहे हैं। जब हम यहाँ पे पहले रहते थे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। बिल्कुल जो भी रोडें होती थी वो खाली होती थी, बिल्कुल नाके बराबर होता था और आराम से खुल्ला खुल्ला। लेकिन आज के दौर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई साहब, आने वाले ज़माने में तो गाड़ी फोर व्हीलर चलाना तो आप मान लो, समझ लो कि नामुमकिन ही है एक तरीके से। अगर जो चलाएगा वो बहुत दुख पाएगा। टू व्हीलर बेस्ट है और अपना यूज़ करो, आप मेट्रो यूज़ करो, कैब यूज़ करो, वो सही है। लेकिन क्योंकि कैब में नाइट वगैरह में तो आते हैं ना, अब जैसे मेरे पापा आते हैं तो वो नाइट में आते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो वो टू व्हीलर ही प्रीफर करते हैं। मेन मोस्टली तो पार्किंग की हो गई लफड़ा। किसी के दूसरी दुकान के सामने खड़ी कर दे, वो लड़ने के लिए आ जाए। और अच्छा, मतलब इसको सिखा दिया है कहीं पे। हाँ। रिजर्वड है पार्किंग ऑलरेडी सब जगह। तो फ्रेंड्स आ गए हैं गौरव टावर। अच्छा, यहाँ जूडियो वगैरह, प्यूमा के शोरूम, पेंटालूंस नए नए हैं, यहाँ पहले तो नहीं थे। पार्किंग में देख लो कहाँ पार्क करनी है कार। कार है वो इधर पार्किंग में लगाती है, यहाँ पर है सभी जगह पार्किंग में, जगह जगह लगा दी है। इधर पहले तो यहाँ नहीं थी पार्किंग। सिटी बाजार, तो गाइस अभी आ गए हैं मेन जीटी मार्केट। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जो हम खरीदने आए हैं यहाँ पर कैसा कलेक्शन आया हुआ है, कितनी वैरायटीज है। तो अंदर जाकर मैं बताती हूँ, आप जरूर देखिए पूरा व्लॉग। तो यहाँ पर हमें कुछ गॉगल्स वगैरह है वो पसंद आ गए हैं। तो वंस लेने तो मैं आई थी, लेकिन वंस और चंसा दोनों हैं वो मेरे से पहले शॉपिंग कर रहे हैं, तो वंस को भी पसंद आ गया है। कैसा लग रहा है मेरा गॉगल्स आप जरूर बताना। और यहाँ पर है वो गॉगल्स वगैरह, स्पेक्स वगैरह है, यहाँ काफ़ी वेराइटीज़ है। और मार्केट की जगह यहाँ पर है, थोड़े सस्ते मिलते हैं तो मैं यहाँ से लेना प्रेफर करती हूँ। इससे पहले भी मैंने यहाँ से बहुत सारे गॉगल्स खरीदे हैं, तो चलिए मैं ट्राई करके देखती हूँ। और वंस को भी पसंद आ गया है तो वंस को भी दिला देते हैं। और यहाँ पर है, वंस भी ट्राई कर रहा है। अच्छा लग रहा है ये भी, ये वाला लगाना। तो फाइनली मुझे स्टोन वाला है गोगल पसंद आ गया है। आपको कैसा लगा जरूर बताना, तो मैं ये परचेज कर लेती हूँ। ये भी बढ़िया है। मतलब चंसा को है यहाँ पर 3-4 गोगल्स पसंद आ गए हैं, तो ये भी पहन पहन कर है वो ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर है वॉच वगैरह का कलेक्शन भी बहुत अच्छा आया हुआ है।
तो चलो वॉच भी ट्राई कर लेते हैं। इससे पहले वाला ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। मिरर में देखो ना आप खुद, इससे पहले जो फाइनली अभी हमने वॉच खरीद ली है। कैसी लगी आप जरूर बताना। यहाँ वॉच पे भी है वो काफी वैरायटीज वगैरह है और सारी वॉच बहुत ही सुंदर लग रही है, तो चंसा है वो ट्राई कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है। अभी फाइनली क्रिस्टल कोर्ट में आ रहे हैं। पहले मेरे को कंफ्यूज रहता था कि जीटी मार्केट कौन सा है और क्रिस्टल कोर्ट कौन सा है, तो बट फाइनली अब मुझे समझ में आ गया है। सब लोग है कंफ्यूज रहते हैं कि यही जीटी है, बट जीटी मार्केट और क्रिस्टल कोर्ट दोनों अलग अलग है। ऑलमोस्ट है हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब निकलते हैं क्रिस्टल कोर्ट से, और बाहर है कुछ फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो चलिए चंसा जल्दी चलते हैं। फास्ट फूड खाना है सो इधर आए हैं। उस तरफ चलो एंड में, कौन सा चीज है ना। ओह माय गॉड, वंस को पिज्जा खिलाओ दिखता ही नहीं है, जहाँ पर भी जाते हैं तो सबसे पहले अपनी डिमांड रखेगा चीज पिज्जा। और आज गाइस हम कोइंसिडेंटली तीनों वाइट पहन के आए हैं, लग रहा होगा कि हम प्लानिंग से पहन के आए हैं, बट हम तीनों कोइंसिडेंटली पहन के आए हैं। अभी मार्केट में जब गए तब एक शॉप में मैंने देखा यार अपने तीनों ही वाइट पहन रखे हैं। कैसा है नीरू, वंस कैसा लगा टेस्ट, सही है। फ्रेंड्स अब पेट पूजा करके या पास में जूडियो है तो मैं सोच रही हूँ जूडियो में भी जाके आ जाते हैं। कैसी लगी गाइज आपको ये व्हाइट टी शर्ट। मैं सोच रही हूँ कि ये व्हाइट टी शर्ट मैं परचेज कर लूँ, मुझे है प्लेन टी शर्ट्स वगैरह बहुत ही पसंद है, और यहाँ पर है 199 में बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट्स वगैरह मिल रही है। कलेक्शन तो टी शर्ट्स में बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितना भी है वो बहुत अच्छा है, तो मैं ये व्हाइट वाली टी शर्ट परचेज कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ऑफर चल रहा है तभी यहाँ पर है, काफी भीड़ लगी हुई है। अब
कुछ है वो कॉस्मेटिक वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्राइस में कॉस्मेटिक वगैरह अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरे पास मस्कारा और मुझे लाइनर चाहिए थी तो वो मैं ले लेती हूँ। उसके अलावा लिपस्टिक वगैरह है, नेल पेंट वगैरह है, इन पे भी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, कम प्राइस में बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो और आई मेकअप रिमूवर है वो भी मेरे पास नहीं है तो वो भी मैं परचेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है जूडियो में, जो कि जीटी मार्केट के जस्ट सामने है। अभी वहाँ से तो निकल गए, अभी कुछ इसके हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह के लिए कुछ ले लेते हैं। अभी और देखते हैं। तो देख ले, तो तू देख ले, तेरे को जो पसंद आए ले ले। टेंशन क्यों ले रहा है? फिर क्या लेनी है? जींस पैंट कैबरी मेरी कैबरीज शर्ट भी है, जींस भी है, फिर कुछ टी शर्ट चाहिए मुझे। ये इधर भी देख ले, इधर भी है, यही सेम जींस है। ये तेरे साइज की है क्या? छोटी है, लेंथ में छोटी है। क्या वो पसंद नहीं आई? नहीं है, ये सबसे अलग है। लगाना मेरे, लगाना अलग है, ये सबसे डिफरेंट है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? यहाँ पे डेमो रखे हैं। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल, इन्हें टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप, टेस्टर रखे हैं। बिलिंग के लिए अभी लाइन में लग गए हैं काउंटर पे, बिलिंग करवा लेते हैं। फाइनली सब कुछ ले लिया, अभी निकलते हैं घर की ओर। तो गाइस अभी बहुत थक चुके हैं, रात के 9:30 बज गए हैं और अब घर जाते ही थोड़ा सा कुछ लाइट फूड ही बनाएंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है।